हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 5:15, 5:30। तो हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकल चुके हैं। तो हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे, क्योंकि क्रिसमस वीक है तो हॉलीडेज़ वगैरह हैं ऑफिस से। तो हम अपना बैग पैक करके निकल चुके हैं नई जगह घूमने के लिए, जिसमें हम आपको भी दिखाएंगे हम कौन कौन सी जगह कवर कर रहे हैं। तो मोस्टली अभी हम ट्रेन पिक कर रहे हैं अपना चंडीगढ़ स्टेशन से, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से, एंड वी आर गोइंग टू दिल्ली। सो हमारी ट्रेन का टाइम है तकरीबन 6:50 में, और अब मैंने जस्ट अभी चार्ट चेक किया तो ट्रेन ऑन टाइम है। तो बेसिकली काफ़ी सुबह काफ़ी रश था, हमें लगा कि कोई इतना होगा नहीं, तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन है कालका शताब्दी एक्सप्रेस, तो डायरेक्ट ट्रेन है हमारी न्यू दिल्ली की। तो चलते हैं, अब अपनी ट्रेन पिक करते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, अब हम अपनी सीट वगैरह देखेंगे कैसे सीट्स मिल रही हैं। तो हमारा कोच नंबर बेसिकली जो था ट्रेन में वो था C4, एंड दोनों की सीट साथ में थी, मेरी और डुगू की। तो हमें बस बेसिकली यही था कि कहीं सीट से अलग अलग ना मिल जाए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती जब भी आप ट्रेन वगैरह रेलवे ट्रेन की बुकिंग करते हो। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप खुद से सीट वगैरह बुक कर सको, तो ये हमेशा ये डर रहता ही है कि आपको कौन सा सीट नंबर मिलेगा और कहीं वो बिल्कुल अलग वगैरह ना हो। क्योंकि बाकी जगहों में अगर आप बस की बुकिंग कर रहे हो या आप मतलब एयरप्लेन की बुकिंग कर रहे हो, तो आपको सीट्स आपके अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की अंदर की हमारी ट्रेन थी, और हमारी दोनों की सीट अलग ही थी, मतलब जो 2-सीटर वाली थी वही हमारी थी ट्रेन। तो हमारा फूड इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट, बेसिकली मॉर्निंग ट्रेन थी तो हमारे पास ब्रेकफास्ट आ चुका था। तो कुछ इस तरीके का ब्रेकफास्ट था हमारे पास, इसमें ब्राउन ब्रेड के स्लाइसिस थे, फ्रूटी थी ड्रिंक में, और दोनों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। दोनों का ब्रेकफास्ट पूरे टाइम पे मॉर्निंग में तकरीबन 8 बजे के आसपास आ चुका था। ये डुगो आपको ब्राउन स्लाइसेस वगैरह दिखा रही है, इसके साथ बटर था और केचप था। तो मतलब स्लाइसेस ओके ओके थे, ठंडे थे, बट ये कटलेट्स जो है ये बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे खाने में, और हमें भूख भी काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकले हुए थे। तो अभी मैं आपको ट्रेन का वॉशरूम दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, वॉशरूम एरिया काफ़ी क्लीन है, मतलब मैंने बहुत कम ट्रेन्स में ऐसा देखा है कि इतने क्लीन वॉशरूम वगैरह हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, इस ट्रेन के अंदर सोप डिस्पेंसर रखा हुआ है। ये एक नया कटआउट करके पेपर वगैरह था कि अगर आप सीट वगैरह यूज़ कर रहे हो, आपको हाइजीनिक की प्रॉब्लम है, तो आप इस कट शीट को उस सीट के ऊपर लगा सकते हो और यूज़ करके, यूज़ एंड थ्रो कंसेप्ट था ये बेसिकली। तो काफ़ी क्लीन वॉशरूम था, काफ़ी मेंटेन था रेलवे की तरफ से, क्योंकि रेलवे अब अपने ट्रेन्स पे बहुत काम कर रही है, वॉशरूम्स पे काम कर रही है। तो तकरीबन हम उसके बाद 11 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बाद हमें लेनी थी मेट्रो, क्योंकि मैं जा रहा था अपने फ्रेंड के घर जो हमारे साथ आगे ट्रिप को ज्वाइन करेंगे। तो हमारा आज का स्टे था उनके घर पे, हम उनके साथ ही आज रहेंगे और घूमेंगे दिल्ली वगैरह भी, और फिर सुबह साथ में हम रोड ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। तो वो कहाँ हम जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारा कौन सा रोड ट्रिप है, क्या प्लान है। तो हमें अभी जाना था मेट्रो में प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 16 में, तो ये हम मेट्रो में अपने जा रहे हैं। तो फाइनली हम टर्मिनल में पहुंच गए थे जहाँ से हमें मेट्रो लेनी थी, ब्लू लाइन। बेसिकली हमें जाना था राजीव चौक से तिलक नगर, मेरा फ्रेंड का घर तिलक नगर में था, तो हमारे पहुँचते ही मेट्रो भी लग गई थी। तो यहाँ से तिलक नगर का रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का था, तो हमने जल्दी से अपनी मेट्रो ली और हम जा रहे थे अपने फ्रेंड के घर पे। तो गाइस, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही, हमारे चैनल पे ऐसे ही, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए बेसिकली। हम आगे भी आपको अपडेट्स करते रहेंगे, और फाइनली हम कल अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे दिल्ली से। तो हमारे साथ बने रहे वीडियोज़ में, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।